नमस्कार। भारत के ओलंपिक्स में प्रदर्शन के बारे में बहुत से रूमर्स चलते हैं और बच्चों के बीच में बहुत डिसगाइज क्वेश्चंस पैदा होते हैं। बहुत से विद्यार्थियों की क्वेरी नॉर्मल जी प्रचाड के बारे में आई कि वो वाज द नॉर्मल जी प्रचाड, क्या नॉर्मल जी प्रचाड का रिप्रेजेंटेशन भारत को था? भारत को अगर था तो उसके जो मेडल जीते गए थे वो आज तक किस देश के खाते के अंदर कहलाए हैं, और साथ ही साथ उसने किस इवेंट्स के अंदर ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट किया था, और उसके जो परफॉर्मेंस हैं वो आज तक कहाँ सिक्योर हैं। तो देखिए, बहुत सी चीज़ों को मैं स्पष्ट कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्मन जी प्रचार क्या मूल रूप से भारतीय था? नहीं, वह मूल रूप से भारतीय नहीं था। वो भारत में जन्मा था लेकिन वह ब्रिटिश माता पिता की संतान थी। ठीक है, अब वह ऐसा पहला भारतीय था जिसका जन्म चूंकि भारत में हुआ था, और यह कहा जाता है कि जिसका जन्म होता है भारत के अंदर वह भारत का मूल निवासी कहलाता है। नॉर्मन जी प्रचार क्या बेसिकली वो एक एथलीट था? नहीं, वो एक एथलीट भी नहीं था, वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर था, और वो इवेंट ऑर्गेनाइजर के अंदर सॉकर के अंदर मतलब फुटबॉल खेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अब जब सन 1900 के अंदर दूसरा ओलंपिक आयोजित किया गया था, उस दूसरे ओलंपिक के अंदर वह भी एक व्यवसायी के बतौर उस ओलंपिक को देखने के लिए गया था। कहाँ पर? पेरिस के अंदर। और क्यों गया था देखने की? ताकि उसका इवेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां सॉकर का वहां पर उसको और लोगों के टच में ला सके। अब इसी दौरान क्या हुआ कि ओलंपिक्स बहुत लंबे समय के बाद शुरू हुए थे। 1896 में पहला ओलंपिक आयोजित हुआ था और दूसरा ओलंपिक पेरिस के अंदर सन 1900 के अंदर आयोजित हुआ। पेरिस के अंदर ओलंपिक की बहुत ज़्यादा लोकप्रियता नहीं थी, तो कम लोकप्रियता होने की वजह से जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने देखा कि मात्र चुटकियों पे गिनने वाले खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट करने आए, तो उन्होंने सभी कैटेगरीज को ओपन कर दी। प्रचार्ड भी वहाँ पर घूम रहा था और उन्होंने कहा था कि कोई भी विदेशी जो है इसके अंदर भाग ले सकता है। प्रचार्ड ने इस अवसर को, एक मौके को अपने गोल्डन फ्यूचर के लिए भुनाया और उसने 60 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 110 मीटर हर्डल दौड़ और 200 मीटर हर्डल दौड़ में भाग लिया और कुछ मेडल जीते। और वो जो मेडल जीते, उसने दो मेडल जीते थे 200 मीटर और 200 मीटर हर्डल के अंदर, दोनों सिल्वर मेडल थे। अब बात ये आती है कि क्या नॉर्मन जी प्रचार भारतीय था या ब्रिटिश था? तो देखिए, दो बातें हो गई। पहली बात, जब प्रचार वहां पर गया और उससे कहा गया कि फ्रॉम विच कंट्री यू आर बिलोंगिंग, तो उसने कहा कि मैं भारत को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं भारतीय हूं, मूल निवासी भारत का हूं, क्योंकि वह भारत से ही वहां पर आया था और उसका जन्म भारत में ही हुआ था। लेकिन अब एक और मोटी बात आती है, क्या भारत की उस ओलंपिक के अंदर भागीदारी थी? नहीं, भारत उस ओलंपिक के अंदर पार्ट नहीं ले रहा था। भारत के अंदर न तो भारतीय ओलंपिक संघ गठित था और न ही भारत ओलंपिक के अंदर अपने नाम से वहां भाग ले रहा था। लेकिन अब उसने जब दोनों मेडल्स जीत लिए, मेडल जब जीते गए तो क्लासिफाई किया गया, तो देखा कि भारत तो उसके अंदर भाग ही नहीं ले रहा। तो उनसे पूछा गया कि मूल रूप से आप भारतीय हैं या क्या? तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता जो हैं वो ब्रिटेन से हैं, ब्रिटिश हैं, वो दोनों आर्मी के अंदर, ब्रिटिश आर्मी के अंदर भारत में सेवा करते हैं और मैं वहीं जन्म हुआ हूं और मैं बेसिकली एक सॉकर इवेंट ऑर्गेनाइजर हूं। तो उन्होंने क्या किया कि मेडल टैली के अंदर जब पदक तालिका लिखी गई तो वहां पर उनको ब्रिटेन लिख दिया। यही कारण था कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आज भी प्रचर को एज ए कॉम्पिटिटर तो भारतीय मानता है, क्योंकि जब वो कॉम्पीट करने गया था तो उसने नॉमिनेशन लिस्ट के अंदर अपनी जो पहचान है वह भारतीय लिखाई और आज तक वो मूल लिस्ट जो है उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाया। लेकिन जब मेडल उसने जीत लिए तो भारत तो उस ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर ही नहीं था, इसलिए भारत के जो ये दो मेडल थे भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, इसलिए ये ब्रिटेन की झोली में ब्रिटेन ने क्लेम कर दिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज तक दोनों कॉन्ट्रोवर्सीज में हैं। ब्रिटेन ने अपना हक जमा दिया, IOC ने ब्रिटेन को ट्रांसफर नहीं किए, भारत ने उसमें भाग नहीं लिया, तो मेडल टैली में IOC भारत का नाम नहीं लिख पाई, इसलिए आज तक ये दोनों मेडल जो है वो अनसुलझे हैं। वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी इन मेडल्स को अपना क्लेम नहीं करती है, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन तो 1927 से हुआ, लेकिन उससे पहले ही सर दोराबजी जमशेद जी टाटा के नेतृत्व में भारत पहले ओलंपिक 1920 एंटवर्क में अपनी पहली भागीदारी दिखा चुका था, भारत का जो पहला ओलंपिक था। तो ये दोनों मेडल जो है आज तक कॉन्ट्रोवर्सी बने हुए हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।